मेरा नाम है मृतला और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साइज रिडक्शन क्या होता है और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि साइज रिडक्शन बेसिकली आपका किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल या फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस साइज रिडक्शन को आपको अफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ है, सबसे पहला है हार्डनेस। हार्डनेस जो होती है वो आपकी सरफेस प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, और ये आपको मेजर किया जाता है मोर स्केल के बेसिस पे, जो कि आपका 1 से 10 तक होता है। जो मटेरियल्स आपके 1 से 3 तक होते हैं मोर स्केल पे, वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि टैल्क या फिर वैक्सेस। जो 4 से 7 तक होते हैं वो आपके इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन बॉक्साइट। और 8 to 10 जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्वार्टज या फिर डायमंड। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, अगर मटेरियल तो बेसिकली इस पैरामीटर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसका साइज रिडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। सेकेंड जो फैक्टर है वो है टफनेस। सपोज करिए कि मटेरियल सॉफ्ट होते हैं लेकिन टफ होते हैं, उन मटेरियल्स को हम इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो मटेरियल्स हार्ड और ब्रिटल होते हैं वो ज़्यादा इजिली ब्रेकेबल होते हैं। जैसे कि रबड़ जो है वो आपका सॉफ्ट होता है लेकिन एक टफ मटेरियल है, आप उसको इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन चॉक स्टिक जो है वो आपका हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है, जिससे वो इजिली आपका पाउडर्ड फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। थर्ड है एब्रेसिवनेस। एब्रेसिवनेस वो आपकी हार्ड मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है, और जब किसी भी एब्रेसिव सब्सटेंस को हम ग्राइंड करते हैं तो पाउडर जो होता है वो आपका कंटामिनेटेड हो सकता है मिल की वजह से। मतलब अगर जो एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं जब वो ब्रेक हो रहे होते हैं तो वो मिल्स के भी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके भी पार्टिकल्स आपके उन पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपका कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब मोर देन 0.1% हो जाते हैं कि आपका जो भी मटेरियल फाइन पार्टिकल्स आपको मिला है उस पर कंटामिनेशन है। फोर्थ है स्टिकीनेस। ये जो होते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है साइज रिडक्शन में, जो उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हम ऐसे मटेरियल्स जो कि स्टिक हो जाते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं उनका साइज रिडक्शन, तो वो आपके जो भी ग्राइंडिंग सरफेस है वहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं, या फिर जो स्क्रीन मेसेस होते हैं जिससे कि वो फाइन पार्टिकल्स आपके पास हो रहे होते हैं आफ्टर साइज रिडक्शन, वो आपका चोक हो जाता है या फिर कह सकते हैं ब्लॉक्ड हो जाता है। सिक्स्थ है स्लिपरीनेस। सपोज करिए कि जो भी मटेरियल हमने लिया वो काफ़ी स्लिपरी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है, तो वो क्या होता है कि मटेरियल्स आपका एक लुब्रिकेंट की तरह काम करती है, और उनके वो आपको जो ग्राइंडिंग सरफेस होता है उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है। मतलब आपके मटेरियल्स अगर स्लिप होने लगेंगे तो क्या होगा कि वो मटेरियल के ब्रेक डाउन में आपको डिफिकल्टी होने लगेगी। सेवन्थ है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है कि साइज रिडक्शन के टाइम आपका हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंसेस, खासकर के जो वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे स्टियरिक एसिड या फिर जो ड्रग्स आपके ऑयल्स या फैट्स कंटेन करते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स का जो साइज रिडक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एट्थ है मॉइस्चर कंटेंट। अगर सपोज करिए कि हम जिस भी मटेरियल को रिड्यूस कर रहे हैं, जिसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो आपके वो बहुत सारे प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है, जैसे कि मटेरियल के हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, जो कि फर्दर आपका साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मटेरियल स्ट्रक्चर। जो मटेरियल्स आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं वो भी आपको साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ड्रग्स होते हैं, उनमें आपका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको लॉन्ग फाइबरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है साइज रिडक्शन के टाइम। उसी तरह कुछ मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि आपके लाइन्स ऑफ वीकनेस प्रेजेंट होते हैं, और वो आपको फ्लेक्स पैदा करते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे फ्लेक्स पैदा करने लगते हैं साइज रिडक्शन के टाइम, जिसकी वजह से प्रॉपर साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है। टेंथ है
फैक्टर है वो है आपका रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, मतलब हम कितना फीड साइज जो मटेरियल है उसका कितना हम किसी भी मशीन या मिल में डाल रहे हैं रिडक्शन के लिए और क्या हमें मिल रहा है। तो बहुत फाइन पाउडर के लिए हमें जरूरत होती है कि हम थोड़ा 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 फीड साइज रखें, जिसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन प्रोसेस आप जो होता है वो प्रॉपरली हो सके और प्लस उसको एक सीक्वेंस में करें। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल को पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको क्रश करेंगे, जिससे कि हमें एक कोर्स पाउडर मिलेगा और फिर उसको हम फाइन ग्राइंडिंग में डालेंगे। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि हमारा पार्टिकल साइज जो होता है वो प्रॉपरली रिड्यूस नहीं होता है या फिर जो डिजायर्ड हमें साइज चाहिए होता है उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये था फैक्टर्स जो कि आपके साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।